तीन नंबर व्हाट्सएप पे थे जो जो उन्होंने बताया था कि जय प्रताप सिंह बोल रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डोमेश्वर साहू। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से रखे, क्या मकसद है इसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, यहाँ विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है जो देश में शिक्षा क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से खेलकूद भी है, तो हम स्कूल से लेकर के और खेलकूद का आयोजन करते हैं। तो इस यहाँ पर पूरे देश भर से अपने अपने प्रांत और क्षेत्र से जो विजेता आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलकूद यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। तो ये आज से प्रारंभ होकर के और ये 2 नवंबर तक चलने वाली है। इसमें उद्घाटन समारोह कल अर्थात 30 को सायं 5 बजे PSC के ग्राउंड में होगा, जहां पर सिंथेटिक ट्रैक है। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और विधानसभा के अध्यक्ष जी हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और 31 तारीख को एक सांस्कृतिक संध्या होगी यहाँ पर निराला नगर सरस्वती शिशु मंदिर में, माधव सभागार है, इसमें देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ की संस्कृति से परिचय हो, इस प्रकार के यहाँ के स्थानीय विद्यालय के छात्राओं के द्वारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन भी होगा। और इसके मुख्य अतिथि हमारे डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा जी होंगे और अध्यक्षता यहाँ के महापौर संयुक्त भाटिया जी करेंगे और बेसिक शिक्षा अधिकारी के मंत्री अनुपमा जायसवाल जी हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। इस प्रकार कार्यक्रम 1 को भी चलेगा, 2 तारीख को समापन होगा। 2 नवंबर के समापन कार्यक्रम 11 बजे PSC का जो सिंथेटिक ग्राउंड है वहाँ होगा। होगा वहाँ पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो होंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति उस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे। खेल समारोह में कितने खेल होंगे और लगभग कितने खिलाड़ी आ रहे हैं बाहर से? हमारे इस खेल में ये सब 10 प्रकार के ऐसे खेल हैं एथलेटिक्स में, इसमें दौड़ है सभी प्रकार के जो ट्रैक इवेंट्स कहते हैं, फिर उसमें फेंक होते हैं तो जिसमें चक्का फेंक भी है, गोला फेंक भी है, भाला फेंक है, हैमर थ्रो कहते हैं, इसके बाद फिर कूद भी है, इस कूद में लंबी कूद है, ऊंची कूद है, त्रिकूद है, एक पोल बाल्ट जिसको बांस कूद कहते हैं वो है, इस प्रकार के ऐसे सारे इवेंट्स ट्रैक इवेंट्स और एथलेटिक्स के सारे होंगे। लगभग कितनी टीमें आ रही हैं, किस किन किन जिलों से आ रही हैं? ये इंडिविजुअल होते हैं, टीम तो नहीं है, लेकिन पूरे हमारे देश को 11 क्षेत्र में हमने बांटा है जी। तो 11 क्षेत्र जिसमें सभी प्रांत का प्रतिनिधित्व होगा, देश के सभी प्रदेश के बच्चे इसमें आएंगे और इसमें 800 संख्या हमारे विद्यार्थियों की रहेगी, उसके बाद उनके कोच और खेल निर्णायक, ऐसे 1000 संख्या पूरे इस प्रतियोगिता में रहने वाले जाएगा। इससे इस खेल के माध्यम से खेल के प्रति रुचि जागृत हो, क्योंकि शिक्षा मतलब केवल पढ़ना नहीं है, शिक्षा खेल भी है, खेल से भी शिक्षा मिलती है, उससे शारीरिक विकास होता है, बुद्धि का भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इसलिए इस खेल कूद के माध्यम से आगे आने वाले भविष्य में हमारे जब हम विश्व के अनेक प्रकार के एशियाड या ओलंपिक में खेलते हैं उसके लिए भी एक अवसर इस खेलकूद के माध्यम से बच्चों को प्राप्त होता है, ये संदेश जाए यही, और विद्या भारती इस प्रकार से प्रयत्न कर रही है कि हमारे बच्चे भी आगे जाएं। विद्या भारती स्कूल का 31वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन होने जा रहा है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये खेलकूद का समारोह चलेगा। 35वीं PSC महानगर में पूरा खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे।
कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।